नमस्कार नाजी, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त सैयद अब्बास लानी कैनेडा टोरंटो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजीन, आज मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ आपका जोडिक साइन लियो। तो लियो के हवाले से आज मैं बताऊँगा कि अगस्त का महीने में ये क्या खुशखबरी आपको दे रहा है। इस पे चार इवेंट की खुशखबरियाँ हैं लियो के महीने में, वो ख़ासकर इसका जो रोलिंग प्लैनेट है जिसको हम सन कहते हैं और जो इसका एलिमेंट है वो फायर है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले एंगल में जो मैं देख रहा हूँ, ये जो सन है ये आपको पहले शोबे में ये बता रहा है कि आपके घरेलू मामलात, आपकी दोस्तियाँ, आपकी नाराज़गियाँ, आपके बिजनेस, आपकी नौकरियाँ, आपकी एजुकेशन, आपके सफ़र के हवाले से, आपका जो भी ज़ाती आपकी मसरूफियात हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ पर और बच्चों के हवाले में, फैमिलीज़ के हवाले से, इन सब में जो सन है ये आपको इस तरह से खुशखबरियाँ दे रहा है कि इनमें हर तरह से खुशखबरियाँ हैं, बरकत है और आपके हालात हर तरह से हर शोबे में जो मैंने बताया इसमें बेहतरी में रहेंगे इस महीने में। और जो भी एक तलक में, रिश्तेदारी में डिप्रेशन है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है, ख़ासकर अगस्त के महीने में। यहाँ पर अगर मैं देखा जाऊँ, देखता हूँ कि जो आपका सन है इसको जो इसी पहले एंगल में जो फेवर है वो सैटर्न की है। तो सैटर्न जब आपको सन के साथ पहले एंगल में नज़र आता है कि आपके जो रोलिंग प्लैनेट है उसको फेवर कर रहा है, इससे मुराद ये होता है कि ये अपनी तरफ से एनर्जी और आपको बूस्ट करता है और आपको खुशखबरी देता है और आपका जो हौसले बुलंद करता है, जो सुस्ती है वो ख़त्म करता है और आपको खड़ा करता है, अपने पाँव पर पे कुछ करें और आपके अंदर एक तरह से एक नई एनर्जी आती है। तो उस पर आसपास से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सैटर्न जो है वो सन को इस तरह से फेवर कर रहा है ताकि ये अगस्त का महीना आपको इन शोबजात में आपको फेवर दे। उसके बाद जो दूसरा इवेंट है जिसमें मैं देखता हूँ कि मून है, ये इत्तेफाक की बात है कि सन और मून एकदम से दूसरे एंगल में बहुत कम इकट्ठे होते हैं, मगर इस वक्त ये है कि दूसरे एंगल में आपके जो रोलिंग प्लान है इसके साथ मून की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि अगस्त के महीने में आपको इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, वकालत के मतलब का जो मामला हैं, कोर्ट कचहरी के जो मामला हैं, इंजीनियरिंग के जो मामला हैं, जो इस तरह से जो मार्केटिंग के सिलसिले हैं, जो आपके किसी भी किस्म के जो पाइपलाइन में मनसूबा जात हैं जिसमें आप कह सकते हैं आपका गारमेंट्स का कारोबार है, इसके नए कारोबार खोलने का जो मामला है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है। और उसमें ख़ासकर मैं ये देख रहा हूँ कि मून साइन जब आता है किसी भी रूलिंग प्लानिंग के साथ तो उसमें नए कारोबार, नई तरक्की, नए अपना सरप्राइज पैसा और जो आपके डूबे हुए पैसे हैं वो भी वापसी की अपना खुशखबरी देता है। तो इस शोबे में ख़ासकर इस चीज़ को देखें कि मून साइन की जो फेवर आपको मिली है उसको भी इसी महीने में आप खूब इंजॉय करें। उसके बाद जो थर्ड एंगल है उसमें मैं देख रहा हूँ कि वीनस की जो मौजूदगी है वो वीनस का ख़ास का तल्लक ये होता है कि ये जो टेक्सटाइल से मतलब का लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या कपड़े से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं, ये ख़ासकर सारे इन शोबाजात में अगस्त के महीने में अच्छी पेशरफ्त है और इसमें भरपूर फायदा है। मगर एक चीज़ इसमें यहाँ की बताता है क्योंकि वीनस की जब थर्ड घर में मौजूदगी होती है ना तो इसके साथ जो मार्स का साइन नज़र आता है जो कि रूलिंग प्लैनेट के साथ फेवर कर रहा है, तो उससे मुराद ये होता है कि कारोबार में मुहतात रहना आपके लिए फ़ायदेमंद है। एकदम से ब्लाइंड फेथ करके एकदम से अपनी इमोशनल डिसीजन और आप जो अल्लाह ने एनर्जी दी है उसे नेगेटिव जो आप स्टेप एकदम लेते हैं तो उससे आपको नुकसान भी हो सकते हैं, मगर कोशिश करें कि आप जो ये टेक्सटाइल से मतलब का जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है या लेदर का बिजनेस है या गारमेंट्स का बिजनेस है या किसी भी की तरह से
टेक्सटाइल के मुतलका या किसी भी शोबा जात के मुतलका इसमें कोई आपको कुछ करना है तो उसमें वेटेंसी में रह के मुहतात रह के करेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा है। अच्छा, इसके बाद अगर राजन जी आपका जो फोर्थ और फाइनल एंगल है तो उसमें ख़ासकर मैं आपको देख रहा हूँ कि जहाँ पर सन जो आपका रोलिंग प्लैनेट है इसकी मौजूदगी एक देर तक कैम पजीर है। ये एक जगह से जब आप फोर्थ के ऊपर आपका रोलिंग प्लैनेट आता है तो इसकी कम से कम मोर देन आप कह लें 19 दिन की मौजूदगी होती है। तो इसमें ये हेल्थ के मामला में आपको खुशखबरी देता है, ये सेहत के वाले से आपको पॉजिटिव वे में गुड न्यूज़ देता है। तो मेरी मुराद यह है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रख के चलें। इस महीने में जो भी आपके फिजिकली क्राइसिस हैं वो ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं और जो भी बीमारियां हैं वो दूर होती जा रही हैं। मगर बात ख़ासकर इसमें एक और भी एडवाइस होती है आपके जो रोलिंग प्लैनेट है फोर्थ के एंगल में कि आपको अपनी सेहत का ख्याल डॉक्टर की मुनासबत से जो बताई हुई हदायत हैं उनके मुताबिक ही रखें। गैर ज़रूरी खाना और बहुत बद परहेजी हर काम अपनी लिमिट में रखे करें और एक्सरसाइज और वर्जिश को मकबूल बनाएं। ख़ासकर फीमेल्स के लिए लियो के लिए ये महीना थोड़ा सोच विचार से दूर रखने के लिए कह रहा है क्योंकि जो लियोस की वोमेन है वो ख़ासकर जब फोर्थ एंगल में ये आपका रोलिंग प्लैनेट आता है तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर आके थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन आपको पेश कर आता है। मगर ये बिल्कुल फिक्र ना क्या करें, आपके लाइफ पार्टनर इस महीने में आपके साथ नरम रवैया अपनाएंगे और जो आपके तहफ़ात हैं उनको दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है आप भी पॉजिटिव सोचते हुए उनके साथ भरपूर तआमुल करें। ओवरऑल ये महीना अच्छा जाएगा। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे मेरे कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम अपने ग्रुप में शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको स्वस्थ सामने रखे, खुश रखे, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।